नेपाल में नई सरकार के गठन का रास्ता साफ। पीएम देउबा और प्रचंड के बीच बनी सहमति। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा और नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष पुष्प कमल दहल प्रचंड ने शनिवार को काठमांडू में बैठक की। इस दौरान दोनों अपने 5 दलीय सत्तारूढ़ गठबंधन को जारी रखते हुए देश में नई सरकार बनाने पर सहमत हुए। पार्टी सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री देउबा और पुष्प कमल दहल प्रचंड ने काठमांडू में प्रधानमंत्री आवास पर मुलाकात की। सीपीएन माओवादी सेंटर के स्थायी समिति के अध्यक्ष गणेश शाह ने बैठक के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रम पर चर्चा की और नई सरकार के गठन की संभावनाओं पर विचार विमर्श किया। गणेश शाह ने कहा, मौजूदा सत्तारूढ़ गठबंधन को जारी रखने के लिए दोनों नेताओं के बीच सहमति बन गई है। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा की नेपाली कांग्रेस के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ गठबंधन ने शनिवार को नेपाल के संसदीय चुनाव में अपनी बढ़त बनाए रखी। अभी तक प्रत्यक्ष मतदान चुनाव प्रणाली के तहत 150 सीट के परिणाम घोषित हुए हैं, जिनमें से नेपाली कांग्रेस ने के नेतृत्व वाले गठबंधन ने 82 सीट पर जीत हासिल की है। देश की 275 संसदीय प्रतिनिधि सभा की 165 सीट का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान से होता है, जबकि शेष 110 सीट का चुनाव अनुपातिक चुनाव प्रणाली के जरिए होता है। बहुमत हासिल करने के लिए 138 सीट की जरूरत। सदन में स्पष्ट बहुमत हासिल करने के लिए किसी पार्टी या गठबंधन को 138 सीट की जरूरत होती है। प्रतिनिधि सभा और 7 प्रांतीय विधानसभाओं के चुनाव रविवार को हुए थे। मतों की गिनती सोमवार को शुरू हुई थी। वहीं जारी मतगणना के बीच नेपाल में भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने देश की शीर्ष राजनेताओं से मुलाकात की है।